आप बता कैसी है? अभी है आप देख गर्दन पे है ये गांठ के दो रहे है ना आम भी मिले आप देख है एक बार और आम भी आप देख रहे हल्का सा खिंचाव एक तो ये बोलने की कोशिश करता है क्या वॉइस है खड़ा होता है तो पैर ऐसे ये बोलने की भी कोशिश करता है और जो पहले कंडीशन थी पहले बहुत बुरी कंडीशन थी इसकी उसमें 50% सुधार है और अभी मेरी 3 डॉज बकाया है 2 डॉज बकाया है हाँ हाँ ये तो उस हिसाब से 3 हुए ना अभी ये 4th है अभी ये कौन है ठीक है उसके बाद कब होती है ना 5 डॉज के बाद में इसे इसकी सुनवाई हो जाएगी तो अगली डॉज पर मैं सोचता हूँ इसे पैर सीधा रखने का जो पहले कंडीशन थी वो नहीं है ठीक है हाँ अच्छा इसकी क्या कंडीशन है बेटा तू अच्छा कोई मोमेंट नहीं हो रहा है इसमें कितना टाइम दिया है इसने केवल 3 डॉज बोला था मैंने आपने बोला था 5 डॉज आ रही है पुकार की तीन आज तीसरी है तो आज भी से आराम होना शुरू हो जाएगा ठीक है इसको भी 5 डोज बताई थी 50% इसको आराम हो गया है नहीं और इसको उल्टी हुई थी नहीं इसको उल्टी नहीं हुई है अच्छा अच्छा चलो इसको जो है वो दवाई जरूर डालते रहना ठीक है और अभी मैं 8 डोज में देखता हूँ कितना आराम होता है इसको ठीक है ना लगाए तो बच्चे को बोल रहा बस थोड़ा सा ये जो है ना आप ये उंगलियों में ऐसी जो ये किसने बता रखे हैं आपको उंगलियों में इस उंगली में चांदी में ना विधवा स्वागन और विधवा का श्रृंगार दिया जाए पैर लेगी क्या नहीं पैर सकती ना सिवा घर के टेंशन तो कोई नहीं है तुम्हारी जान को इन उंगलियों में चांदी का श्रृंगार मत करो उसको पीला का पीतल पहन लो नहीं इसमें मत गेरो चांदी हाँ जब पीतल गेर लो अगर हमें पैर नहीं हुआ है ये तुम्हें नुकसान दे रहा है सिर्फ तीनों के बीच में झंझट है ये ध्यान रखना समझ रही हो ये अंगूठी तुम्हें तीनों को हिंदत पैदा कर देगी और सारी बुराई का ठप्पा तुम्हारे माथे टिक जाएगा ये याद रखना मेरी बात को रखे रहे पूछ रहे मुझसे क्या कह रहा हूँ मैं समझ गई बस एक म्यान में 2 निकलते समझ रही हो समझे उनके तो बल पड़ रही है लेकिन उनको तुम इसको इसमें ये मत है फिर देखो आपको टेंशन कितनी कम होती है भैया मावस वाली भैया
पांच बोला ना, अब क्या हो गए तीसरी है। अब अभी तो दो बताया है, अभी तो उसमें बहुत आराम देखना है, इसका करना है। हाँ घुमाएगा अभी दो दो मेरी और दे दो मुझे। ये तो आपके ऊपर है, जब हमें कहीं तुम इस चीज़ को देख रहा था उस जगह को इस काम पर जाना भी चाहिए, ठीक है। कोई ये नहीं है कि आपको डेली बुलाया जा रहा है, कोई खर्चा करवाया जा रहा है। इसकी दवाई चलेगी काफ़ी है, लेकिन मैंने जब पाँच डोज का वादा कराया था, मैं पाँच डोज के बाद कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है। चलो भैया आप बोलो। अरे तेरी दवाई ले जाओ, पर स्कूल लिया दे पकड़ाता है, दे दे पैसे। हाँ लाना दवाई ला, कोई बात नहीं, अभी मैं नंबर लेता हूँ। चलो जी चलो। वो सुन खोली के तन्हाई, मैं तुम्हें भूली
कितना आराम है, 19 लीटर का एक आध दौरे और देखो ये ठीक हो जाएगा। खूब चला रहेगा, ठीक है ना, माउस वाली टॉर्च पे लाना है, माउस वाली टॉर्च। हाँ ठीक है, चले जा जल्दी हटा है, बैठो चल भैया जल्दी। हाँ का बंद कर दूंगा। चलो जी बोलो बैठ के। राहुल आप देखो बैठ उठ कैसे कितना दर्द है। और कहीं नहीं है उम्र में, उम्र में कितना आप पहले के बराबर ही कम है, जितना खड़े रंगों में ज्यादा हुए वो पाँच जन बैठ हम बात है फिर मुझे बता आकड़ी पड़ी है नस्ल मारी आप कितना है भैया स्कूल जो है ना दोस्तों आनी है 5, लेकिन ये लड़का जो है 2 डोज में भी ठीक हो सकता है, 3 में भी हो सकता अगली डोज तक। आज तो इससे फर्क लगने का, वो सकेगा वो चलेगा, ठीक है, अगली डोज तक इसको 19-20 तो आराम हो सकता, और अगली डोज के बाद 50% इसको आराम हो। लेकिन आना 5 डॉलर उससे पहले मुझसे ये नहीं कहोगे कि तुमने 4,000 कह दिया 3 डॉलर में, 5 डॉलर तो मैं देनी है करना ही मुझे, चाहे 2 डॉलर में या 3 डॉलर में ये ठीक हो जाए, ठीक है भैया। और जो दवाई ये दे रहा है उस दवाई को इसके एक दूर इसके डाल कोई बात नहीं, तो वो अभी दवाई है उसे डाल दे रहा, ठीक है। भैया तेजू पहले फल वाले को देते फल, फिर वो उनको निकाल दूंगा, वो जाने वाला है, इन्हें लिया जा रहे हैं जो मैं 4-5 तुम्हारे साथ जो है। हाँ 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 क्योंकि आज भी करा देंगे जो अभी बता दो पहले फल वाले फल देते हैं अभी बता दो।